माई डिवाइन स्टार फैमिली, कैसे आप सब गाइस? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। यस, आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है, सकारात्मक सोच आपको रखनी ही रखनी है गाइस। ओके, सो यस, यहाँ पर डाउनलोड के चलते गाइस, ओके, कुछ विजन्स मुझे मिले हैं आपके लिए। एंड जब भी कुछ विजन्स मिलते हैं, कुछ एंजेलिक साइंस मुझे मिलते हैं, या फिर आपके लिए कुछ साइकिक चैनल मैसेजेस रहते हैं, तो उसी के तहत मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ गाइस। ओके, सो यस, ऐसे मैसेजेस मुझे चैनल हुए हैं गाइस आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आपका जो एक जगलिंग फेज है ना, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपकी तरफ अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तेजी से आ रही है गाइस। ओके, तेजी से आ तो रही है, बट कहीं ना कहीं आपको सही मायने में डिसीजन लेना है गाइस। ओके, मतलब ना, जब कोई चीजें हमारे पास आती है ना, तो हम थोड़े से ज़्यादा ओवरविलिंग होते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिली है, एंड दैट्स वाई गाइज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है? सो यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या जगलिंग फेज है। हालांकि ना, मुझे ऐसी एनर्जी मिली है गाइज कि आप लोग ना किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज हो। ओके, कन्फ्यूज भी हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग ना जद्दोजहद कर रहे हो गाइज। ओके, मतलब चीज़ें होंगी या नहीं होगी, मुझे ये ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से जो जगलिंग फेज रहता है ना, जद्दोजहद रहती है, कहीं ना कहीं वो खत्म होने का समय अभी आ गया है। क्योंकि आपकी तरफ अभी गाइस हवा के झोंके की तरह अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है? हवा के झोंके की तरह। एंड ये जो मैंने अभी कहा ना, हवा के झोंके की तरह, यही मुझे डाउनलोड मिला यही मुझे डाउनलोड मिला है आपके लिए गाइस। ओके, हालांकि कुछ ऐसे एनर्जीज है गाइस मुझे आपसे बताने के लिए थोड़े से रोक रही है। ओके, हालांकि आपने खुद देखा कि मेरा जो थ्रोट चक्रा है थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, बिकॉज जो निगेटिव एनर्जीज है आपके आसपास, कहीं ना कहीं वो इसको रोक रही है या फिर इन चीज़ों को आने के लिए रोक रही है। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम आपकी कुछ क्लिनजिंग करी है, ओके, कुछ रिचुअल्स करे हैं मैरिज के ऑडियो में, मैरिज के वीडियो में आप वो चेकआउट कर सकते हो गाइज। ओके, कहीं ना कहीं गाइज यस, आपकी ज़िंदगी में मैंने जैसे बताया कि कुछ निगेटिव फेजेस भी हो सकते हैं गाइज आपके लाइफ में, कि वो अभी एंड हो रहे हैं। ओके, सो बतौर जहाँ पर आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि चीज़ें आपके पास आ रही है, आपके दरमियाँ आ रही है, क्योंकि ये मुझे एंजल्स की तरफ से मैसेजेस चैनल हुए हैं फॉर यू पीपल, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी ये रीडिंग की तरफ आए हैं। ओके, मुझे खास मैसेज ये भी मिला है गाइज आपके लिए, कि आपकी जो फिनांसिस है ना, आपकी जो मनी है, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होने वाली है या ग्रो होने वाली है। ओके, सो प्रॉस्पर्टी एक तरह से आपकी तरफ आ रही है, बट मैंने जैसे कि कहा कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं, तब हमारे लाइफ में ना हम डिसीजन नहीं ले पाते गाइज। ओके, सो प्रॉपर आपको डिसीजन लेना है आपकी तरफ, हो सकता है गाइज दो दो ऑप्शन आपको मिले। ओके, ये मैसेज अभी मुझे चैनल हो रहा है कि दो दो ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको जो भी रास्ता मिलेगा उसको वाइजली चूज करना है, या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तो एक तरीके से आपको ललचाया भी जाएगा, तो इन ऑप्शंस को थोड़ा सा आपको समझदारी से चूज करना है, या फिर उस ऑप्शन की तरफ आपको जाना है, ठीक है? सो यहाँ से हम मैसेजेस लेते हैं गाइज आपके लिए। ओके, यस, यहाँ पर एंजल की गाइडेंस है, ओके, या फिर एंजल के मैसेजेस है, दैट्स व्हाई मैं पहले आपके लिए एंजल कार्ड से लूंगी। ओके, सो एंजल मैसेजेस आपके लिए लेते हैं, कि क्या पहले गाइडेंस निकलता है एंजल की तरफ से, वो हम चेकआउट करते गाइज आपके लिए। ओके, सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकलता है, फॉर ऑल माई व्यूवर्स, फॉर ऑल माई डिवाइन स्टार फैमिली, क्या आपके लिए गाइडेंस निकलता है। ओके गाइज, अगर आपको स्टारसिक फैमिली से जुड़ना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं काफ़ी हीलिंग वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, एंड मैं बगैर कार्ड्स के भी रीडिंग कर लेती हूँ एनर्जी के तहत। ओके, सो अगर आपको इस फैमिली का हिस्सा बनना है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं गाइज कि आपके लिए मैसेजेस क्या निकलते हैं फ्रॉम एंजल्स, क्योंकि ये साइकिक लेवल की चैनल मैसेजेस है, एंड मैं उसी के तहत आपकी तरफ लेकर आती हूँ गाइज। ओके, सो आपके लिए मैसेजेस क्या है, फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, सो यू हैव योर गाइज, इट्स रोमांस,
ओके डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको रोमांस की तरफ आ रहे हैं गाइस. ओके सी एंजल्स ने आपको क्लियर कट मैसेज दिया है कि आपके लाइफ में अभी जो चीज़ें अभी तक ब्लॉक हो रही थी या फिर जो निगेटिव चीज़ें हैं आपके पास नहीं लेकर आ रही थी, कहीं ना कहीं अभी इसकी न्यू शुरुआत होने वाली है, न्यू शुरुआत होने वाली गाइस. ओके सो अभी आपका सवाल रहेगा यहाँ पर कि पार्टनर के चलते प्रपोजल आएगा या नहीं आएगा, उसके तरफ से लव ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा. यस ऑफ कोर्स मिलेगा. ओके सो एक तरीके से आपकी जो लव जर्नी है, लव लाइफ है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वहाँ पर रोमांस आ रहा है एंड चीजें ना बेहतर होती जा रही है गाइस. ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज लेते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन. मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था गाइस, ओके ये एनर्जी निकालने से पहले ही कही थी आपसे कि आपको जो रास्ता सही मार्ग पर लेकर जाएगा ना वही आपको चूज करना है. ठीक है, जो रास्ता आपको खाई में लेकर डूबेगा या फिर खाई में लेकर जाएगा उसके तरफ आपको नहीं जाना है. ठीक है, अगर कोई रास्ता आपको ब्लॉक कर रहा है या फिर वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ देख रहे हो, मुश्किलात देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रही है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. ठीक है, दूसरा रास्ता अपनाइए. अगर करंट रास्ते में या फिर करंट सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा तकलीफ देख रहे हो, तो उसके लिए एंजल्स बता रहे कि चूज अ न्यू डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाए, आपके सही मार्ग पर लेकर जाए. ठीक है, यस आंसर है. ठीक है, देखिए यहाँ पर. ओके ये रीडिंग का थीम यही था गाइस कि आपके लाइफ में जो भी अभी फेजेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स ने खुद गवाही दी है मुझे कि यस आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे कहीं ना कहीं वो हटने वाले हैं, सुकून भरी सांस लेने वाले हो या फिर आप रिलीफ देखने वाले हो, क्योंकि हवा के झोंके की तरह आपके ज़िंदगी में सिचुएशंस आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है या फिर आपको कम्युनिकेशन करना है. ओके से कम्युनिकेट क्लियरली, दैट मीन्स जहाँ पर आपको बोलना है वहीं पर ही आपको बोलना है एंड जहाँ पर आपको डिसीजन लेना है वहीं पर ही आपको डिसीजन लेना है. ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ है तो कुछ हेल्थ के इश्यूज रहेंगे गाइस. ओके हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है, ज़्यादा आपको रिलेशनशिप या पार्टनर के पीछे या फिर मनी मैटर्स या फिर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो इसके पीछे ना भागिए अगर आपकी हेल्थ डाउन है. ओके ये सारे तमाम चीज़ें तभी आती है गाइज जब हमारी हेल्थ अच्छी है, जब हमारी सेहत अच्छी होती है, तो ये सारी तमाम चीज़ें आपको मिल ही जाती है. ठीक है, सो यस तो यहाँ पर अभी हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं गाइज. ओके कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको क्लैरिफाई किया है. ओके जो मुझे डाउनलोड्स मिला है एंड उसी के तहत एंजल्स ने कार्ड के जरिए भी आपको क्लैरिफाई किया है कि आपके ज़िंदगी में हवा के झोंके की तरह चीज़ें आ रही हैं. ओके सो यस देखते हैं यहाँ से टैरो कार्ड से भी देखते हैं हम गाइस कि आपके लिए क्या आ रहा है. ठीक है, फॉर ऑल माई व्यूअर्स, फॉर माई डिवाइन स्टार फैमिली, क्या आ रहा है आपके लिए गाइस जहाँ पर आप लोग जगल कर रहे थे गाइस. ओके सो यू हैव योर, दैट्स द मून का कार्ड. वाओ, सो कोई इमोशनली कनेक्शन आपसे बनाने वाला है गाइस एंड ये डेफिनेटली मून की एनर्जी है गाइस. दैट मीन्स आप लोग ना इसको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस. ओके फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स कर रहे हो, ईश्वर को मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वाटर रिचुअल्स भी आप लोग करते रहेंगे यहाँ पर. ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो इमोशंस है या फिर जो ये फेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, ये इसको आप जानते हो. ओके इसके साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दे रहे ईश्वर, दे रहे हैं एंजल्स, बट कहीं ना कहीं आप लोग ना नज़रअंदाज कर रहे हो गाइस. ओके कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बता रही है कि ये चीज़ें आएंगी, कुछ चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, बदलाव होंगे, बट हालांकि आप ना इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो सकता है इन रीडिंग्स पर भी आप लोग नज़रअंदाज करते हो गाइस. ओके मेरे रीडिंग्स पर भी आप नज़रअंदाज करते हो क्योंकि मैं बताती हूँ कि ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है तो आपको प्रिपेयर रहना है गाइस. ठीक है, यस यहाँ पर इंट्यूशन, इल्यूजन एंड रिवोल्यूशन. मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं कि जो आपको ललचाएंगे या फिर जो आपको गलत मार्ग पर लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा वे आउट, कौन सा सिचुएशन मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेहतर है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको मून के एनर्जी में नहीं रहना है गाइस, इल्यूजन में नहीं रहना है. हालांकि आपकी जो इंट्यूशन बता रही है, हालांकि आपकी जो इनर वॉइस आपको बता रही है, वही चीज़ें आपके पास आ रही है, आपके दरमियान आ रही है, बट हालांकि आप लोग नज़रअंदाज करो गाइस. ठीक है, सो लेट्स सी आपकी और क्या एनर्जी निकलती है. सी हर्मिट, अगेन मेजर अरकाना गाइस. ओके मून भी मेजर अरकाना है,
हर्मिट भी मेजर आर्काना है, कहीं ना कहीं आपकी जोडियक साइन से आप पाइसिस हो सकते हो आप, ओके वाटर साइन के आप हो सकते हो, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट यहाँ पे वर्गो की साइन है, ठीक है। सो वाटर साइन या फिर आप अर्थ साइन के हो सकते हो, ओके। कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों के लाइफ में ना काफी बदलाव आ रहा है, ठीक है, एंड वो ऐसा बदलाव रहेगा ना कि आपको अंदर से बदल देगा, अंदर से, ओके। लेकिन ये जब चीजें आती है ना गाइज, तो आपको रिसर्च भी करना है एंड जहां पर आपको गाइडेंस लेना है बतौर आपको गाइडेंस भी लेना है, ठीक है। मतलब अगर आपको शक होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो इसके चलते आपको इंटरनली रिसर्च करना है, साथ ही साथ आपके फैमिली मेम्बर्स से भी डिस्कस करना है, ठीक है। सो मुझे एक्चुअल में यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके लव के मामले में कोई ऑप्शन आ रहा है, कोई जॉब ऑफर के मामले में आपकी तरफ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बिजनेस के चलते भी हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक हवा की झोंकी की तरह आएगा गाइस, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये सिचुएशंस आ रही है, बट आपको भ्रम में नहीं रहना है, आंख खोलकर आपको डिसीजन लेना है एंड जहां पर आपको गाइडेंस लेना है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस निर्णय के लिए, इसको हाँ बोलने के लिए मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए, तो आपको गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब ना सेल्फ आपको एनालिसिस करना है कि ये सिचुएशन मेरे लिए वाकई में सही है या नहीं है, ठीक है गाइज। तो वन मोर लेते हैं, ओके। यू हैव हियर इट्स फाइव ऑफ ईयर, डेफिनेटली मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है गाइज, ओके। मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी वॉर्न करी है कि ऐसे लोग आपके रास्ते में आएंगे, जब आप तरक्की की तरफ जाते हो, जब आप सक्सेस की तरफ जाते हो, तो मैनिपुलेटिव चीज़ें आपको करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे, ओके। आपके आपके रास्ते में आएंगे, आपको आपको प्लान करके उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, या आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं फाइव ऑफ एयर है, मतलब मिस्टेक्स, मेलोड्रामा एंड रीअसेसमेंट, ओके। सो कोई मेलोड्रामा कर सकता है, कोई आपको झूठ बोल सकता है, एंड इन लोगों से आपको बच के रहना है, आपके आसपास के लोगों से बच के रहना है अगर आपको तरक्की की तरफ जाना है, अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है, क्योंकि आपके पास लिटरली चीजें आ रही है जिसके आपने उम्मीदें नहीं की थी गाइज, ओके। एंड ये बतौर मुझे एंजल्स की तरफ से साइकिक मैसेजेस मिले हैं आपके लिए, एंड दैट्स व्हाई मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो यस, मैं इसके तहत पाइल्स भी बनाकर रीडिंग कर सकती हूँ गाइज, लेकिन ना ये मैसेजेस मुझे आपको फेस टू फेस या फिर ना आमने सामने आपको बोलना है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ गाइज, ठीक है। सो यस, बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स नाइट ऑफ फायर, देखिए, ओके, नाइट ऑफ फायर, ओके। सो एरीज, लियो, सैज, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपकी जोडियक साइंस हो सकते हैं गाइस। नाइट ऑफ फायर दैट मीन्स यस, आप लोग वेट कर रहे थे, काफी शिद्दत से आप लोग वेट कर रहे थे गाइस, एंड आप काफी ना एक्साइटेड हो ये चीज़ें आने के लिए अपनी ज़िंदगी में, ओके। एंड मैंने दैट्स आपको पहले ही चीज़ें कही है कि जहाँ पर आप जद्दोजहद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे, वही चीज़ें एक फुर्तीली तरीके से आपकी तरफ बढ़ रही है गाइज, ओके। काफी सारे व्यूवर्स को हो सकता है गाइज की चीज आपकी जिंदगी में आई है, बट आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो गाइज, ओके, आप लोग कंफ्यूज हो। हालांकि ये कोई पर्सन आपकी जिंदगी में है, कोई ऑफर आपकी जिंदगी में है, या फिर कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में है, बट आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं है पीएस, डेफिनेटली आपके लाइफ में एंटर कर रही है एंड ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हालांकि आपके दरवाजे तक आने वाले हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पर टाइमलाइन की बात करूँ गाइज, तो मुझे 12 हफ्तों का टाइम दिख रहा है, ठीक है। 12 हफ्तों में यह सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है जब आप ये वीडियो देखोगे, ओके, डिपेंड्स कि आप कब देखते हो, ठीक है। सो 12 हफ्तों का टाइम है कि ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये ऑफर आपकी तरफ आ जाएगा एंड एक जोशीले तरीके से, ओके, फायरी एनर्जी से आएगा। हालांकि आप लिटरली ऐसे एनर्जी में बैठे हो कि कब ये सिचुएशन आती है, कब ये पर्सन आता है, कब ये ऑफर आता है, एंड मैं इन चीज़ों को स्वीकार करती हूँ, ग्रैब करती हूँ,
या ग्रैब करता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप ऑलरेडी इस सिचुएशन पे हो गाइज, ओके, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एंजल नंबर बता देती हूँ कि क्या एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे जब ये सिचुएशन आपकी तरफ आएगी या फिर जब ये सिचुएशन आपकी तरफ बढ़ने वाली है, ओके। एक हवा की झोंके की तरह आएगी, दैट्स में मैं आपको ये एंजल नंबर्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो एंजल नंबर्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है गाइज, ओके, वो भी आपको चेकआउट करना है। सी, ये वीडियो पहले जाएगा या वो वीडियो जाएगा मुझे नहीं पता है, बट एंजल नंबर्स के तहत मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ओके। सो आपको वो को चेकआउट करना है गाइज, ओके। सो आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे गाइज, वो है 555, 12, 12 एंजल नंबर दिखने लगेंगे, ओके। 12, 21 भी एंजल नंबर आपको दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद है 999, ट्रिपल नाइन आपको दिखेगा, 888 आपको दिखेगा, 1717 एंजल नंबर भी आपको दिखेंगे, ठीक है। और 111 आपको दिखेगा, 777 दिखेगा आपको, 222 दिखेगा आपको, ठीक है, एंड 999 भी आपको दिखेगा गाइज, ओके। 999 जाहिर सी बात है, दैट इज स्टार से 999 आपकी खुद की फैमिली है गाइज, ओके। एंड आई रियली रियली लव यू गाइज, ठीक है। सो डेफिनेटली ये एंजल नंबर्स दिखेंगे जब आपके लाइफ में ये हवा के झोंके की तरह सिचुएशंस आएंगी गाइज, ओके। बट इसके लिए आपको रेडी रहना है, तैयार बैठना है, ठीक है। एंड मायूसी एनर्जी में ना रहिए गाइज, ओके, या फिर डिप्रेशन एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन एनर्जी में रहोगे तो कहीं ना कहीं आने वाली चीज़ें भी आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। रोने धोने के एनर्जी में नहीं रहना है आपको, ओके। स्माइलिंग फेस रखिए, चाहे आपके ज़िंदगी में कितने भी बुरे मुश्किलात हैं, चाहे आपके आसपास कितने भी बुरे लोग हैं गाइज, आपको हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है गाइज। सो इसी के चलते मैं रीडिंग एंड करती हूँ गाइज, एंड आई होप गाइज कि ये जो डाउनलोड है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे डाउनलोड मिला है गाइज, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी होगा, मैंने टाइमलाइन आपको बताया है, ठीक है। एंड इसके चलते मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ गाइज, ओके। आई होप गाइज आपसे रेजोनेट जरूर करेगा, एंड यस मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए, एंड यस सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइज। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।